बिहार में एक तरफ नई सरकार का शक्ति परीक्षण होना है तो दूसरी तरफ रेड भी चल रही है, सीबीआई की रेड, और उसको लेकर के जमकर राजनीति भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी। सुशील जी, आज बहुमत परीक्षण का दिन और उसी दिन रेड हो रही है, टाइमिंग को लेकर के विपक्ष, अब जो सत्ता पक्ष है वो सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, किसी भी दिन रेड होगा तो वो सवाल पैदा करेंगे। मंगलवार है तो क्यों मंगलवार किया? अरे भाई, इसको शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और जिन लोगों पर रेड हो रही है वो तो कोई एमएलए है नहीं कि उनको वोटिंग करना है, तो ये तो वो लोग हैं, कोई एमपी है, कोई विधान परिषद है, कोई विधान पूर्व विधान पार्षद है, इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? और देखिए, कोई सीबीआई की रेड या इनकम टैक्स की रेड कोई पहली बार तो हो नहीं रही है। ये लोग तो अभ्यस्त लोग हैं। जब आरजेडी की सरकार थी बिहार में तो लालू जी को जेल जाना पड़ा था, उस समय तो हमारी सरकार नहीं थी ना बिहार में ना केंद्र में, उसमें तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, तो भी लालू जी को जेल जाना पड़ा। और नीतीश जी के सरकार में भी दर्जनों बार उनके यहाँ रेड हुआ, दो माह पूर्व ही भोला यादव गिरफ्तार किए गए। तो देखिए, ये जितने लोग हैं, चाहे भोला यादव हो, चाहे अब्दुल दुजाना हो, या जिनका जिनका भी नाम आ रहा है, सबका नाम नहीं लूंगा, ये सारे वो लोग हैं जो मिलजुल कर लालू फैमिली का बिजनेस चलाते हैं, व्यापार। ये प्राइवेट लिमिटेड, ये नाम की राजनीतिक दल है, ये लालू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसमें कोई प्रेमचंद गुप्ता होंगे, कोई एडी सिंह होंगे, जिसके अंदर कोई अब्दुल दुजाना होंगे। अब्दुल दुजाना कौन है? ये वही अब्दुल दुजाना है जिसका कि मेरिडियन कंस्ट्रक्शन जो है, जो तेजस्वी का जो 1000 करोड़ का जो मॉल बन रहा था पटना के अंदर, उसके बिल्डर थे, उसको बनाने वाले लोग हैं। ये मुझे पता नहीं कि आज रेट किस कारण से हो रहा है, और सुरसंड से उनको टिकट देकर एमएलए बनाया। तो ये सुबोध राय कौन है? ये शराब का बड़ा व्यापार करते थे हाजीपुर के अंदर, और सब लोग जानते क्या संबंध है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि आज जो रेड हो रहा है उसके पीछे क्या कारण है, किस केस में हो रहा है, ये तो सीबीआई बता पाएगी। लेकिन जितने लोग हैं, ये जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के जो सर्वे शर्मा हैं, करीम साहब, 2013 के अंदर इनके घर पर छापा पड़ा था, 2.5 करोड़ नकद मिला था, इसमें उनको जेल भी जाना पड़ा था, उन पर मुकदमा चल रहा था। तो इसलिए इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दूध का धुला हो, ये सारे लोग हैं कि जो लोग कहीं ना कहीं लालू परिवार से के जो जितने अलग अलग जो मामले हैं, अलग अलग जो कांड हैं, और इस परिवार के पास कितनी संपत्ति है, उसका आकलन करना तो सीबीआई और ईडी को भी मुश्किल होगा। तो ये सब लोग उनके प्रबंधक हैं, जो उनके अलग अलग संपत्ति, उनके प्रॉपर्टी का प्रबंधन करने वाले लोग हैं। लेकिन बाकी तो सीबीआई ज्यादा बता सकती है कि इस बार आज के रेड का मुख्य कारण क्या है। सत्ता पक्ष जो फिलहाल जो है, आरजेडी है, जेडीयू है, उसके तमाम नेता कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी को जो बिहार में झटका लगा है, सरकार हाथ से चली गई, इस वजह से सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि जो है लगातार केंद्र की राजनीति की बात की जाए, तमाम विपक्षी दल कहते हैं, तो वहां पर आज की तारीख में जो सत्ता पक्ष में बिहार में, वो सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ ना कि सीबीआई का छापा पहली बार पड़ा गया, 2 माह पहले भी भोला यादव गिरफ्तार किए गए थे, उसके भी और लगभग 8-9 महीना पहले सीबीआई का रेड हुआ था राबड़ी आवास पर। और ये सारे जो मुकदमे हैं, इनके कागजात देने वाले कौन लोग हैं? जनता दल यू के जो शीर्ष नेता हैं, जो आज अपने बगल में राजद के नेताओं को बैठाए हुए, यही तो लोग थे जो हाईकोर्ट गए, जो सुप्रीम कोर्ट गए, जिन लोगों ने सारे कागजात दिए, जो लैंड स्कैम वाला मामला है रेलवे में नौकरी के बदले, इसके सारे कागजात देने वाले कौन लोग थे? जदयू के जो शीर्ष नेता, वही तो लोग थे। और ये लोग हम लोग पर आरोप लगाते थे कि आप लोग मिल गए हैं लालू यादव से, देखिए केस हुए, 5 साल हो गए, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो अगर सीबीआई कार्रवाई करे तो मुश्किल, ना कार्रवाई करे तो मुश्किल, और इसका शक्ति परीक्षण से क्या संबंध है? इसलिए उसका कोई संबंध उससे नहीं है। ये सारे लोग जिन पर रेड हो रहा है, वो कोई एमएलए नहीं है, न वो कोई वोटर है, कोई एमपी है, कोई और है, और बाकी तो सीबीआई बता सकती है कि आज के रेड का मुख्य मुद्दा क्या है। देखिए सर, आपने जो लैंड फॉर जॉब स्कैम की बात कही है, जो तमाम जो सत्ता पक्ष के नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि देखिए, इस मामले में फंसाया जा रहा है, क्योंकि आरजेडी के नेता सत्ता में फंसाया जा रहा है, पूरे लालू राबड़ी परिवार को फंसाया जा रहा है। आखिर दर्शकों के लिए ये पूरा जो मामला था, अगर संक्षेप में आप बता सके क्या हुआ था? मामला ये था, जब लालू जी रेल मंत्री थे उस समय उन्होंने बिहार के 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो नौकरियां दी, उसके बदले में उन्होंने जमीन लिखवा लिया। ये जो हृदयनंद चौधरी जो गिरफ्तार किए गए पिछले दिनों, हृदयनंद चौधरी गरीब आदमी, और उससे पटना के अंदर 1 करोड़ से ऊपर से ज्यादा की जमीन उन्होंने गिफ्ट करवा लिया अपनी बेटी के नाम पर। तो ये सारे वो लोग जिनका प्रमाण है सीबीआई के पास कि जिनको नौकरियां दी गई, किसी को मुंबई में, किसी को जबलपुर में, गलत तरीके से नौकरी दी गई,
और कुछ दिनों के बाद में उनके परिवार के लोगों से जमीन लिखवा ली गई लालू परिवार के नाम। यही है नौकरी के बदले जमीन, तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और ये सारे कागजात दिलवाने वाले राष्ट्रीय जनता दल यू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री ललन जी, यही हैं जो इसके सिरमौर हैं, यही इसके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं, जिन लोगों ने सारे कागजात उपलब्ध कराए। तब इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, अपने यही कह रहे थे नीतीश जी कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूंगा, तेजस्वी को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, जवाब नहीं दे पाए, इसे मैंने गठबंधन तोड़ दिया। अब फिर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी जो पूरी की पूरी पार्टी है उसके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, तब बिहार में क्या सुशासन दे पाएंगे और कैसे भ्रष्टाचार पर आप अंकुश लगा पाएंगे? बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपने तेजस्वी का भी जिक्र किया, तेजस्वी यादव का भी एक बयान आया, 100 सुनार की 1 लोहार की, क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं तो वही बताएंगे उसका क्या मतलब है, भी सरकार उनकी है। इसे देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के अंदर जिस प्रकार का जंगल राज पैदा कर दिया था, फिर बिहार के अंदर उसी प्रकार की स्थिति पैदा करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर पर सुशील मोदी जी का यही कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके से रेड हुई हो, जब नीतीश जी की पहले भी सरकार थी उस दौरान भी ये कार्रवाई हो रही थी और सीबीआई और ईडी की ये जांच ऐसा नहीं है कोई पहली बार हो रही है, लगातार जारी है, उसी मामले में ये कार्रवाई हो रही है, तो इसको लेकर के राजनीतिक बयानबाजी करना ठीक नहीं है। और रही बात आरोपों की, तो सीबीआई और जांच एजेंसी ईडी के पास में तमाम ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर वो ये कार्रवाई कर रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।